मार्केट में जो तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, ऐसे में कौन सा सेक्टर में हमें बाइंग करना चाहिए, कौन सा सेक्टर को हमें अवॉइड करना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसे जानकारी लेके आए हैं जिसमें आप तेजी के मार्केट में आप कौन से सेक्टर को आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो, मंदी के मार्केट में आप किस प्रकार के सेक्टर पर आप काम कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सिंपली N7 एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स देखने को मिलेगा। सेंसेक्स के ठीक ऊपर में आपको यहाँ पे व्यू मॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है व्यू मॉल का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको एक इक्विटी मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट, दो टैब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट वाले टैब को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में जो जो कंपनीज है, मतलब कि वो कंपनियाँ जो निफ्टी 50 की है और अच्छी क्वालिटीज़ के स्टॉक्स है, वो आपको डेरिवेटिव सेगमेंट पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद इन कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा कंपनी में शानदार परफॉर्मेंस हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ जो कंपनी में हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है, मतलब कि IT सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं इनमें आज के तेजी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। यह सेक्टर जो होता है ये 1.65% तेजी में रहा। ऑटो सेक्टर में बात करें तो 1.51% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। इसके बाद फार्मा सेक्टर 1.27% की तेजी में रहा। उसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी हमें 1.24% के आसपास की तेजी देखने को मिली। फाइनेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर में हमें 0.5% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, PSC सेक्टर, मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में हमें 0.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को तेजी देखने को मिली। यहाँ पे तेजी हुई लेकिन 0.5% से कम हुई। उसके साथ ही यहाँ पे PSU बैंक सेक्टर, मीडिया सेक्टर में भी यहाँ पे लगभग 0.25% से ज़्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। एकमात्र सेक्टर जो था जिसने यहाँ पे नेगेटिव मार्केट, पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव साइड में मूवमेंट दिया है, जिसका नाम है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर आज 0.76% डाउन साइड में काम करते हुए नजर आया। ऐसे में हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है, इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्फोसिस है इसने आज 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। वहीं पे अगर एम्फोसिस की बात करते हैं तो यह स्टॉक भी 3.5% की तेज़ी में रहा। टाटा कंसल्टेंसी का स्टॉक 2.3% की तेज़ी में रहा। विप्रो को स्टॉक में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। टेक महिंद्रा के स्टॉक में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। नौकरी के स्टॉक में 1.42% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर एसएल टेक्नोलॉजी और SS के स्टॉक में भी यहाँ पे लगभग 0.25% और 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो इस प्रकार के स्टॉक में अगर मान लो कि मार्केट ट्रेंडिंग में है, मार्केट पॉजिटिव है, तो आप इन स्टॉक में आप कॉल या पुट के साथ जा सकते हैं, या फ्यूचर को आप बाय कर सकते हैं, या इक्विटी में आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें देखते हैं तो अगला नंबर आता है ऑटो सेक्टर का। ऑटो सेक्टर में भी आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर 4% की तेज़ी देखने को मिली। हीरो मोटर कॉर्प में लगभग 2.3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। मारुति के स्टॉक में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे भारत फोर्ज में लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी बनी। वहीं पे एक्साइड इंडस्ट्रीज में 1.488% की तेज़ी, मतलब कि यहाँ पे 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ बनते हुए नजर आई है। वहीं पे बात करते हैं यहाँ पे BOSCH लिमिटेड, टाटा मोटर्स के स्टॉक में और MRF टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑटो सेक्टर की कंपनी में भी काम करके हम यहाँ से पोटेंशियल रिटर्न ले सकते थे। तो मतलब कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग में है, मार्केट पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे सेक्टर को चुनाव करके इन स्टॉक के साथ जा सकते हैं। जो स्टॉक में हमें अपसाइड का मूवमेंट लग रहा है या जो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉक आ रहे हैं, तो उन स्टॉक में आप काम करके अपने पोटेंशियल रिटर्न यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि बात आती है कि आपको ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर किस प्रकार से लगाए, तो सबसे पहले जैसे कि हम ऑर्डर लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव में काम करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको निफ्टी में बताता हूँ कि आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उस स्टॉक का चार्ट आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको उस स्टॉक के ऑप्शन में जाना है तो यहाँ ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस स्टॉक की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगे। स्ट्राइक प्राइस में आपको एट द मनी इन द मनी पे ही काम करना है। जैसे कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, आपको इन स्ट्राइक प्राइस के साथ ही आपको काम करना है। अगर मतलब कि स्टॉक में तेजी आ रही है तो कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है।
पुट ऑप्शन को बाय नहीं करना है। पुट ऑप्शन को तभी बाय करना है जब आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, मार्केट नीचे जा सकता है। अभी तेजी का मार्केट है, हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए हम यहाँ पे जो प्राइस है इसको चुनेंगे, जो 19,100 का स्ट्राइक प्राइस है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ लॉट मेंशन करेंगे 1 लॉट। आप जो भी स्टॉक को बाय करते हैं उसके स्टॉक के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है वो आपको लॉट साइज में यहाँ देखने को मिल जाएंगी। हम यहाँ पे निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 क्वांटिटी का, इसे हमें 50 देखने को मिल रहा है। करंट प्रीमियम के साथ जो मार्जिन लगेगा वो नीचे देखने को मिलेगा, नीचे आपको एक बाय की बटन देखने को मिलेंगी। इस बाय बटन पर क्लिक करना है, कन्फर्म ऑर्डर पर प्रेस करना है। अभी मार्केट बंद है, इसे हमारा जो ऑर्डर है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पर प्रेस करते हैं, हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। जैसे मार्केट ओपन होगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये ऑर्डर जो है ये पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना इजी कितना आसान हो जाता है एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे काम करना। अगर आपने अभी तक के अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप आज ही अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।